हेलो एवरीवन। तो मैंने बताया था रिसेंटली जो है मैंने ये जुगे की सेकेंड हैंड मशीन ली है, तो इसमें थोड़ी सी एक प्रॉब्लम मुझे क्या आ रही है, ये जो आप रील देख रहे हो ये जो मोटी वाली होती है, मैं ये डालती हूँ तो मतलब थोड़ी देर के बाद जब ये बहुत ज़्यादा जैसे इस तरह से पतली हो जाती है और मोटी होती है तो भी तब थोड़ा कम होता है, लेकिन जब ये ज़्यादा पतली हो जाती है तो क्या होता है, जब मैं इसे सीलती हूँ या जब बॉबिन में जो है धागा भरती हूँ यहाँ से, तो ये इस तरह से उछल उछल के बाहर आते हैं। तो इसका मैंने सोल्यूशन क्या निकाला है, मेरे पास जो है FSK 101 जो मॉडल है ब्रदर स्विंग मशीन, उसके कुछ टूल्स पड़े हुए थे तो ये मुझे उसमें से मिला था उसके साथ में। इससे क्या होता है, धागा जो रील होती है वो बैठा रहता है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, इसे जो है इसके अंदर लगाने वाली हूँ। तो ये एक तरह का सोल्यूशन है, शायद पता नहीं मार्केट में कहीं पर मिलता होगा कि नहीं, पर मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ था तो मैं यहाँ पर इसे यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से इसे मैं लगा दूँगी, क्योंकि जो मेरी रील होती है वो काफ़ी मोटी होती है, तो ये पतला वाला अगर हम यूज़ करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। एक ऑलरेडी मशीन में लगा हुआ है, वो तो स्टार्टिंग से उसमें लगा हुआ था। ये दो एक्स्ट्रा मुझे मिले थे, ये इतने साल से रखे हुए थे, आज फाइनली जाके इनका यूज़ होने वाला है। तो ये मैंने लगा दिया, आई होप सो ये तो एक सोल्यूशन हो गया है। और अब ये जो रील होगी ये इस तरह से निकलेगी नहीं और बाहर नहीं गिरेगी। ओके, तो इसी तरह से आप भी जो है इस तरह अगर आपका धागा निकल कर गिरता है बाहर सीलते वक्त या बॉबिन को भरते वक्त, तो आप इस तरह से ये जो शायद अमेज़ॉन पे या कहीं पे ऑनलाइन मिल जाता होगा, तो ये लेकर आप लगा सकते हैं इसके ऊपर, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बीच में होल हो छोटा सा और ऐसे सर्कुलर हो या सर्कुलर उसका जो है शेप हो, तो आप भी इस तरह से लगा सकते हो उसका और यूज़ कर सकते हैं। तो एक काइंड ऑफ प्लेट है ये, और इसका नाम मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में। और बीच में इसके थोड़ा सा जो है होल दिया हुआ है, बस वहीं से इसको अंदर डालना है। तो अभी आप मेरी रील देख रहे हैं तो ये कम हो गई है, मतलब ये काफ़ी मोटी थी 800 मीटर्स की। तो ये कम होने पर क्या होता था, जब मैं सपोज़ ये कम होने के बाद में ज़्यादा थी तभी भी होता था, लेकिन तब थोड़ा हो रहा था, तो ये ऐसे उलझ जाते थे आपस में, ये ऐसे इस तरह से, और ये इस तरह से बार बार ऊपर नीचे होता था और बाहर निकल के गिर भी जाता था। तो अब मेरे पास ये सेफ्टी है, इसे लगाने के बाद में काफ़ी इजी हो गया। तो अगर मैं मशीन की स्पीड बढ़ाती भी हूँ तो भी ये जो है निकल कर अब बाहर नहीं गिरता है इसकी हेल्प से। आप भी जो है, तो मुझे तो ये मिला था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, मेरी ब्रदर्स स्विंग मशीन जो है ऑटोमेटिक मशीन, उसके साथ में मिला था और काफ़ी साल से ऐसे ही रखे हुए थे। मैं एक ही यूज़ करती थी जो उसमें लगा ही हुआ है ऑलरेडी, ये दो मुझे एक्स्ट्रा मिले थे तो ये मैंने इसमें यूज़ कर लिया है। तो आप भी जो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अपनी, अगर आपका भी धागा अगर ऊपर कोई सेफ्टी नहीं है, मतलब जो हमारी फुल शटल या हाफ शटल मशीन होती है वो इस तरह से कर्व होते हैं तो धागा बाहर नहीं निकलता, लेकिन ये पूरे सीधे है तो इसमें धागा निकल सकता है। तो आप ये इसका इस्तेमाल करके इजीली जो है स्टिच कर सकते हैं, तो आप धागा बाहर नहीं निकलेगा। और एक और चीज़, इसमें पूरी तरह से दबाना नहीं तो ये जो है घूमने में प्रॉब्लम होगी। हल्का सा इसमें नीचे से जो है आपको, ये देखिए बहुत टाइट हो गया है, तो इस तरह से हल्का सा आपको गैप देकर रखना है ताकि ये ईजीली घूम सके। ओके, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। जहाँ भी रहे दिलो दिमाग से खुश रहे, अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।